अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाजिरीन आज आपके सामने आने की वजह ये रही कि कुछ दो तीन दिनों से एक वसीम रिज़वी नाम का जो शख्स है, जो नहायत ही बदतमीज पागल बेवकूफ किस्म का इंसान है, उसने कुछ कहा है, गलती डाली है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे कुरान शरीफ में 26 आयत है, उनको रिपीट करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो हम उनके इस बयान का समर्थन करते हैं, कंटेम करते हैं पूरी तरह से। कुरान शरीफ जो है ये अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से नाजिल करी गई किताब है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम समझते हैं, और उसमें किसी भी तरह की कोई जेर जबर किसी भी मुद्दे का कोई भी फर्क नहीं आ सकता। 1400 साल से ज़्यादा वर्षों से चली आ रही किताब है, और इस तरह का बयान देकर इन्होंने तमाम देशवासियों का ही नहीं पूरी दुनिया भर के लोगों का दिल दुखाया है कि इसको चाहिए, और एक बहुत ही गलत मैसेज इन्होंने दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले वसीम रिज़वी को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब हमारे जो शिया भाई है कलबे सादिक जवाद साहब, उन्होंने भी कहा है कि जो कहा है हम उनका समर्थन नहीं करते, सरासर गलत बेबुनियाद बात। हर इंसान इस बात का कंडेम करता है, और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी पूरी तरह से इस तरह के बेतुकी बयानबाजी का कंडेम करती है। और हम तो ये चाहेंगे प्रशासन को, हम कल मिलके पुलिस ऑफिसरों को लेटर भी देने वाले हैं कि वसीम रिज़वी के खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ केस हो और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि ऐसे शख्स को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं जो दूसरों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करे और इस तरह की सांप्रदायिक तनाव को भड़काए। हम हमारे महान देश भारत में सब खुशी खुशी रहते हैं, एक साथ सब मिलकर चलते हैं, सेक्युलरिज्म प्लुरलिज्म को मानते हैं, गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक है हमारा भारत, हम सब त्यौहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। मगर इस तरह के कुछ लोग जो हमारे देश में घूम रहे हैं, ये सिर्फ चीप पब्लिसिटी पाने के लिए वसीम रिज़वी ने इस तरह का बयान दिया। तो मैं चाहूंगा सरकार प्रशासन इस बयान की कंडेम करे, इस बयान की पूरी तरह से तहकीकात करे, और वसीम रिज़वी के खिलाफ FIR दर्ज करके उसको सलाखों के पीछे रखे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी तरह से इस बयान का कंडेम करती है, और हम चाहेंगे लोगों से कि आप वायलेंट एक्ट न करें, वायलेंस इसका कोई भी सुझाव नहीं है। हमको कानूनी प्रतिक्रिया देना है, कानून है हमारे देश में, और हम कानूनी कार्रवाई करके इस शख्स वसीम रिज़वी को सलाखों के पीछे भेजें। तो मेरी आप तमाम से अदब गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप वायलेंट एक्ट न करें, कानून पे प्रशासन पे भरोसा रखें। हाँ, अगर बिल्कुल हम वसीम रिज़वी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं और उसको जेल जाना चाहिए।